हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटा कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं आसिफ खान आपका दोस्त। जैसे कि आप जानते हैं, जो पिछली रिसेंट वाली हमारी वीडियोस थी वो TDS के ऊपर थी। TDS की एंट्री हम किस तरह से करते हैं कि TDS किन किन चीज़ों पर लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसको हमने आई बटन के लिंक में शेयर किया हुआ है। होता क्या है कि TDS के अंदर कई सारे बहुत सारे अपने अपने हर एक ट्रांजेक्शन के स्लैब होते हैं। स्लैब होने के कारण क्या होता है कि जितने भी हम उसके एक्सपेंसेस होते हैं उनको उन्हीं सर्विस के अकॉर्डिंग उनको हमने स्लैब सेलेक्ट करना पड़ता है। वही चीज़ें हमने पिछली बार मैंने बताया था कि उनको गूगल से किस तरह से सर्च कर सकते हैं। ये काम करने के बाद में अभी हमने क्या करना है, अभी हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम कोई भी ट्रांजेक्शन यूज़ करेंगे, सपोज हमने TDS काट दिया है, अब उसको हम गवर्नमेंट को पे कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में देखनी है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, आगे हम अपनी स्क्रीन पर, जैसे कि रिसेंट वीडियो में आपने देखा था कि हमने जो वाउचर चढ़ाए थे वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कैसे हमने इंटरेस्ट पेड किया था और किसको किया था, TDS हमने किस तरीके से हमने इंटरेस्ट पे हमने एक TDS एट्रैक्ट किया था इस पर। अब हमने क्या करना है, बैक जाना है वापस से और F5 वाले पेमेंट में आ जाना है। F5 में हमने यहाँ पर जो डेट डालनी है वो आप डेट डाल सकते हैं। और यहाँ आने के बाद में हमने क्या करना है, पर्टिकुलर में आ जाएंगे और यहाँ पे हमने TDS को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाउचर्स हमने TDS के लिए बनाया था वो जनरल वाउचर का वाउचर्स यहाँ पे हमारा आ चुका है, तो उसकी अमाउंट ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगी, उसमें हमने कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो आपका यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या है ये टैक्स है, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद में इसको पे कैसे करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसके थ्रू आप पे करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि सपोज हम किसी बैंक के थ्रू करा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर उसका लेजर बना सकते हैं और उसको बैंक अकाउंट में सेव करा देंगे। फिर बैंक अकाउंट होल्डर जो उसका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, IFSC कोड जो भी आपका है उस ब्रांच का वो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्लोज करने के बाद में वो सारे का सारा चालान मैं प्रॉपर फिल कर देता हूँ, ठीक है। जो उसका स्विफ्ट कोड है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ब्रांच नेम, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो इसकी अमाउंट है वो भी पे हो जाएगी। जो उसका चेक नंबर है, चेक डेट है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करने के बाद में ये बैंक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करके क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में इसका चालान अगर आपने देखना है तो आप वापस से यहीं पे जाइएगा, पेजअप करके। पेजअप होने के बाद में यहाँ पे आप ओल्ड पी से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको प्री भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर आप दूसरी जगह से देखना चाहते हैं तो आप यहीं से बैक जाइएगा। बैक जाने के बाद में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्ट्रक्चर रिपोर्ट, TDS और यहाँ चलान रिकंसिलेशन, तो ये आपको इस जगह पे भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने चलान को पे कर सकते हैं कि हमने इस तरह से हम चलान को पे करेंगे, या हमने कोई भी वैल्यू अगर है या कोई भी हमारा TDS है तो उसको किस तरह से हम पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, तब के लिए टाटा बाय बाय।
चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।